हाय एवरीवन, आज वाराणसी में आपका स्वागत है। और एक बार फिर से हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास सीक्वेंस जो यूनिट वन है डिफरेंशियल कैलकुलस उसमें मिल रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि एप्सिलॉन की जो डिफिनेशन है लिमिट को एक्चुअली है क्या। जैसे आपने पढ़ा पिछली क्लासेस में, क्लास नंबर रही होगी जो भी 9, 10, 8, जिसमें आपने लिमिट पॉइंट के बारे में पढ़ा, कि अगर लिमिट पॉइंट यूनिक हो तो वही लिमिट हो जाता। तो अगर किसी सीक्वेंस के पास एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट है तो आप उसे कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं कहते। एक छोटी सी बात, छोटी सी कहानी, कहानी नहीं कहेंगे, एक बात है, आप थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है जो अपने जीवन में बहुत सारे हिचकोले खाते हुए, कभी इवन, कभी आर्ट, कभी बहुत अच्छी लाइफ जिया, कभी लाइफ वैसी भी चली गई होगी उसकी, बट जैसे ही हम लोग इसमें कोशी सीक्वेंस की भी बात करेंगे कि व्हाट इज कोशी सीक्वेंस एंड व्हाट इज कोशी क्राइटेरिया, आप सीक्वेंस से आप कोची भी बोलते हैं, तो कोशी क्राइटेरिया ऑफ कन्वर्जेंसी क्या होगा एंड व्हाट इज कोशी सीक्वेंस, हम लोग पढ़ेंगे कि एवरी रियल कोशी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट एंड एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज एवरी रियल कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कोशी, बट इफ सीक्वेंस इज नॉट रियल सीक्वेंस येट इट इज कोशी, इट कैन नॉट गारंटी दैट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो फॉर कन्वर्जेंसी ऑफ सीक्वेंस द रिलेशन बिटवीन कन्वर्जेंसी एंड कोशी इज दैट इफ सीक्वेंस इज रियल देन वन इम्प्लाइज अदर एंड अदर इम्प्लाइज दिस वन, एक दूसरे को इम्प्लाई करेंगे, नेसेसरी सफिशियंट की बात होती। लेकिन अगर ऐसा हुआ सीक्वेंस, हम लोग आएंगे अब इस पे कि अगर सीक्वेंस रियल सीक्वेंस नहीं है तो फेल भी करता है। तो आप हमेशा इसको ऐसे नहीं सोचेगा कि एवरी कोशी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। कोशी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट ओनली व्हेन इट इज रियल, सॉरी नॉट ओनली व्हेन रियल कोशी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, नेसेसरली कन्वर्ज करेगा। ओनली लगाने पे तो रिस्ट्रिक्शन हो गया कि रियल होगा तभी ऐसा करेगा। तो रियल कोशी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट एंड इफ रियल सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन इट सेटिस्फाइज कोशी क्राइटेरिया एंड हेंस इट इज कोशी सीक्वेंस। बट आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, आप देखिएगा, आपने मूवी देखी होगी, मूवी, पुरानी मूवियाँ जिसमें सिनेमा जिसमें होता था कि विलेन और जो एक्टर है हीरो उसमें लड़ाइयाँ होती हैं, तो थोड़ी देर क्या होता है कि वो उसको रस्सी से बांध के खींचता है। जैसे विलेन क्या किया कि ये मान लीजिए हीरो है जमीन पे पड़ा हुआ, इसको रस्सी से बांध के जीप से खींच रहा है, ये जीप, इस पे विलेन बैठा हुआ, इसमें रस्सी बंधी, कुछ दूर जाता है, फिर क्या होता है, हिचकोले, इवेंचुअली की बात हम लोग कर रहे थे, फिर क्या होता है कि ये यहाँ से कुछ ऐसा पैर और फंसाता है जिससे गाड़ी रुकती, फिर इसको खींच लेता है और ये उतार के यहाँ बांधता और ये अब गाड़ी चलाता है, इसको खींचते हुए चला जाता है और जाते जाते इतना तेज लेके जाता है कि कुछ दूर के बाद ये जो है जो विलेन है वो कन्वर्ज कर जाता है। हम लोग यहाँ पे जो कन्वर्ज है उसको उसकी डेथ से रिलेट कर रहे हैं, अब डेथ हो गई इसकी, तो डेथ हो गई तो खींच रहा, अब खींचे तो क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि यहाँ डेथ हो गई है तो अगर आप 10 मिनट बाद देखेंगे तो भी तो मरा ही है ना, यहाँ पे तो भी डेथ है, अब यहाँ गया तो भी, यहाँ गया तो भी, यहाँ गया तो भी, यहाँ गया तो ऐसे। तो इसमें अगर सीक्वेंस कन्वर्ज करता है तो हम लोग इस कंसेप्ट को यूज करेंगे कि अगर यहाँ पे ऐसा मिल गया कि फॉर वेरी वेरी लार्ज एम, ठीक है ना, तो अगर वेरी वेरी लार्ज m के लिए सेटिस्फाई किया तो m प्लस 1, m प्लस 2, m प्लस 3, m प्लस 4, m प्लस 5, अब उसको आप एसी गाड़ी में रखिए जो आदमी की डेथ हो गई, या फिर जीप के ऊपर लगा दीजिए, या फिर जैसे भी लिखी जाए उसको क्या ही फर्क पड़ता है, आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस डिफिनेशन को हम लोग देखेंगे कि डिफिनेशन ऑफ लिमिट में आज बात करेंगे कि लेट fn from this set of natural number to r, r लिखने का मतलब आप हमेशा real sequence की बात कर रहे हैं, clear रहिएगा। Let fn from n to r be a sequence, let fn from n to r be a sequence if अब शर्त दी जा रही है, शर्त क्या है आप समझिएगा, कह रहे कि इफ गिवन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन एक नंबर है ना, जैसे एप्सिलॉन, एप्सिलॉन भी इसको बोलते, एप्सिलॉन भी बोलते,
ग्रेटर देन जीरो मीन्स आप ले सकते हैं एप्सिलॉन को 0.1, इसको 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, एप्सिलॉन को आप 1 ले सकते, 2 ले सकते, 100 ले सकते, इसको आप 200 ले सकते हैं और ऐसे ऐसे टेंस टू लार्ज भी ले सकते हैं। तो कह रहा है कि लेट fn फ्रॉम n टू r बी अ सीक्वेंस। अब आप क्लियर रहेगा, अब आप 12वीं लेक्चर 12 की बात हम लोग कर रहे हैं। तो अगर आप 12 दिन से इस क्लास को सुन रहे हैं ध्यान से, तो जैसे कहा जाए कि लेट fn बी अ सीक्वेंस फ्रॉम दिस n टू r, तो आप क्लियर रहेगा कि fn क्या होगा। अब ये ना बताना पड़े आपको कि इट्स ए स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन, है ना, n डॉट डॉट डॉट। तो जैसे n, और ये जो n है अनंत जाता है क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इसका डोमेन है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डॉट 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 चला जाएगा। तो कह रहा है कि इफ फॉर या इफ गिवन, आप इसकी मीनिंग थोड़ा समझिएगा, इफ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट m, और जो m है कहते हैं वेरी वेरी लार्ज, देयर एग्जिस्ट m बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट दिस fn माइनस दिस fn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन प्रोवाइडेड दिस n इज ग्रेटर आर इक्वल टू m। तो कह रहे कि ऐसा हो वेयर l बिलोंग्स टू r, तो उस केस में देन l इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट r, लिमिट अगर सिंगल रहेगा तो लिमिट, अदरवाइज लिमिट पॉइंट होगा ऐसा। तो लिमिट पॉइंट आर लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस, यहाँ पे हम लोग लिमिट की बात कर रहे हैं क्योंकि ऐसे जितने एल मिलेंगे, अगर कई एल मिल रहे हैं किसी एक सीक्वेंस में तो भी तो सेटिस्फाई करेंगे उसको ना। तो फॉर एन ग्रेटर आर इक्वल टू एम, दिस हम लोग इसको एज लिमिट ही बात करेंगे, सॉरी है ना, आप फिर से देखिएगा प्रीवियस पेज, दिस इज नेक्स्ट पेज, ओके मैं फिर से लिख रहा हूं, लेट fn फ्रॉम दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू r बी ए सीक्वेंस, बी ए सीक्वेंस, एंड लेट l बिलोंग्स टू r इफ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। गिवन, तो गिवन में ये है ना कि जैसे हमने आपको या आपने हमको दिया लेट एप्सिलॉन इज, आपने कहा 1, हमने आपको स्मॉल m दे दिया, आपने कहा कि एप्सिलॉन 2 लीजिए, हमने m की वैल्यू दे दी, आपने कहा कि एप्सिलॉन 3 लीजिए, हमने m की वैल्यू दे दी, आपने कहा कि एप्सिलॉन 4 लीजिए, हमने m की वैल्यू दे दी। तो अगर एप्सिलॉन 1 के लिए m मिल रहा है, 2 के लिए भी एक m मिल रहा है, 3 के लिए भी एक m मिल रहा है, जैसे जैसे आप एप्सिलॉन को बदल रहे हैं उसके करिस्पॉन्डिंग एम मिल रहा है, इसकी बात हो रही है, क्लियर कट होइएगा। इफ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट एम बिलोंगिंग, सॉरी बिलोंगिंग टू दिस एन, क्या है, सच दैट एफ एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन प्रोवाइडेड, शर्त ये है, शर्त ये क्या है कि n इज ग्रेटर आर इक्वल टू दिस m एंड दिस m बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देन दिस l इज कॉल्ड लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस। तो इस सीक्वेंस की लिमिट कहलाता है। आप फिर से इसको सुनिए ध्यान से, लेट fn फ्रॉम n टू r बी ए सीक्वेंस, लेट l इज रियल नंबर इफ गिवन एप्सिलॉन, और जो गिवन एप्सिलॉन है इसकी मीनिंग ये है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन, अगर m मिलता है, ठीक है ना, इफ गिवन एप्सिलॉन देयर इज m, तो गिवन एप्सिलॉन मीन्स ये कह रहे हैं कि इफ यू विल
give me epsilon, I will give you small m. इसी की बात चल रही है इसमें. If you will give me epsilon, I will give you m. जैसे एक था ना कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, नारा था ना, खून दो आजादी दूंगा. फिर आया तुम मुझे खून और पैसे दो मैं तुझे रिपोर्ट दूंगा, पैथोलॉजी सेंटर, ये नारा नहीं है. तो सिमिलरली क्या हुआ कि कह रहे हैं कि गिवन m, इफ यू विल गिव मी एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इज व्हाट ग्रेटर देन जीरो, आई विल गिव यू m. तो हर एप्सिलॉन के लिए एक m मिल रहा है, इसकी बात हो रही है. और अगर ऐसा हो गया तो आप सीक्वेंस को क्या कहेंगे, l को क्या कहेंगे, l इसकी लिमिट, देन l इज कॉल्ड इट्स लिमिट. तो वही चीज. अब फॉर n, m क्या है, m वही है ना, वेरी वेरी लार्ज. वेरी वेरी लार्ज की बात कर रहे हैं ये कि अब जैसे हम लोग इसी पे बात करेंगे लिमिट को लेकर के कन्वर्जेंसी की, ठीक है ना. तो n ग्रेटर आर इक्वल टू m, m बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देन l इज कॉल्ड लिमिट इफ दिस होल्ड्स. और ये जो होल्ड कर रहा है इसकी मीनिंग आप समझिए, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि यार मॉड एफ एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन प्रोवाइडेड n is greater or equal to m, m belong to set of natural number. It means what? It means minus epsilon. This implies less than fn minus l less than epsilon. This implies आप इस l को add करिए, l minus epsilon less than fn less than l plus epsilon. This implies fn belongs to l minus epsilon to l plus epsilon. When? कब? When n is greater or equal to n. बड़ी इंटरेस्टिंग केस है कि अगर एप्सिलॉन लिया, m मिल गया, और क्या हो, जब n का मान m या m से बड़ा हो तो fn क्या हो, इसके अंदर हो. तो ये कह रहे हैं कि अगर n m से बड़ा हुआ या बराबर, तो या तो n m होगा या फिर n क्या होगा, m plus 1 होगा या फिर m plus 2 होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर ही तो चल रहा है. n m plus 3 होगा, n m plus 4 होगा, n m plus 5 होगा, ये ना होगा. तो इसका मतलब ये कर रहा है कि this implies what? This implies fm belongs to l minus epsilon to l plus epsilon. fm plus 1 belongs to l minus epsilon to l plus epsilon. ध्यान से देखिएगा, fm plus 2 belongs to L माइनस एप्सिलॉन टू L प्लस एप्सिलॉन. और सिमिलरली आप ये कह रहे हैं कि आपने लिखा ना कि fm means जब n greater or equal to m है, तो इसी की बात कर रहे हैं कि this belongs to L माइनस एप्सिलॉन टू L प्लस एप्सिलॉन. वो जो डिफिनेशन fm plus 1 belongs to L माइनस एप्सिलॉन टू L प्लस एप्सिलॉन and fm plus 2 belongs to L minus epsilon to L plus epsilon and fm plus 3 belongs to L minus epsilon to L plus epsilon. ध्यान से देखिएगा, तो जब ये सारी चीजें होल्ड कर रही हैं तो आप लिख सकते हैं कि fm plus 1 belongs to L minus epsilon to L plus epsilon. क्योंकि जब n का मान m से बड़ा या उसके बराबर होगा तो fn क्या होगा, l माइनस एप्सिलॉन से l प्लस एप्सिलॉन के बीच में रहेगा. इट मींस जैसा आपने क्लास नंबर 10th या 9th में कहा, लेक्चर 9 या 10th में कहा कि पॉइंट l इज लिमिट पॉइंट और वो सिंगल है तो फिर क्या होगा, लिमिट हो जाता है. ए पॉइंट l इज लिमिट पॉइंट r इज लिमिट व्हेन, कब, सिंगल आएगा तो लिमिट हो जाएगा. व्हेन इट्स एवरी एप्सिलॉन नेबरहुड कंटेन्स इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स ऑफ दिस सीक्वेंस. यही इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स जिसकी आप बात कर रहे हैं कि इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स ऑफ दिस सीक्वेंस कुछ n को छोड़ करके भी हो सकता है या फिर सारे के सारे fn चले जाएं, ऐसा भी हो सकता. कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि अलग अलग होना ही जरूरी है. तो देन दिस l इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट. And if this limit point is unique, then this is called limit. ये चीज आपको क्लियर हुई थोड़ी सी
की लिमिट पॉइंट क्या है, ये इसका एप्सिलॉन और एम डिफिनेशन है कि आप डिफाइन कैसे करेंगे, है ना। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, अगले उसमें हम लोग बात करेंगे। कोशी सीक्वेंस की बात करेंगे, फिर बात करेंगे कोशी क्राइटेरियन ऑफ कन्वर्जेंसी। इसके बाद फिर हम लोग इस पर कुछ लिमिट के वो हैं, कोशी फर्स्ट थेरमान लिमिट, कोशी सेकेंड थेरमान लिमिट, ये पढ़ेंगे और इसमें क्राइटेरिया के थ्रू कुछ एग्जाम्पल करेंगे। एक सैंडविच थ्योरम पढ़ेंगे जिसे स्क्वीज थ्योरम भी कहा जाता है, हम लोग उसको भी पढ़ेंगे डिटेल में। और ये सारे कोर्सेज बड़े ही जल्दी इस पर तो यूट्यूब पे तो पड़ेगा ही, और इसमें ऐप के थ्रू भी आएगा जिस ऐप का नाम होगा केम सेलेक्ट। ये केम सेलेक्ट ऐप के थ्रू भी आप इस कोर्स को पढ़ सकते हैं और उस पर आपको कोड दे दिया जाएगा। तो इसको आप डाउनलोड करके, आप इस केम सेलेक्ट ऐप को डाउनलोड करिए और आप मैसेज करिए 9896 4888 4036 पे, आप व्हाट्सएप कीजिएगा, यहाँ से आपको कोड ज्वाइन करने का कोड प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, अपने लोगों को जोड़िए, अपने साथ के बच्चों को जोड़िए और इस चैनल को ग्रो करने की कोशिश करिए। और आपको सारा कोर्सेज सिस्टमैटिक वे में प्रोवाइड किया जाएगा। अभी मैथमेटिक्स का चलेगा सारा का सारा लेक्चर वन बाय वन, और आप कोर्स की चिंता कदापि नहीं करिएगा, आप टू द पॉइंट चीज़ें पढ़िए और कोशिश करिए इनको समझने की। तो थैंक यू, हैव नाइस डे।